मित्रों, मैं सुनील लखोटिया आज आपको बताने जा रहा हूँ एल्डोल कंडेंसेशंस, कार्बोनाइल कंपाउंड्स की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है और हम इसको जानते हैं क्या होता है एल्डोल कंडेंसेशंस। एल्डोल का मतलब होता है बनने वाले फाइनल प्रोडक्ट में आपको एल्डिहाइड ग्रुप भी दिख रहा है और ओल का मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप भी दिख रहा है, यानी एल्डिहाइड एंड एल्कोहल दोनों आपको प्रोडक्ट में दिख रहे हैं। कंडेंसेशंस का मतलब है कि कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच हुए हैं, यानी कि टू और मोर मॉलिक्यूल अटैच टू ईच अदर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशंस। यानी बनने वाला मॉलिक्यूल पहले से बड़ा होगा, ये दिमाग में बैठा के चलना, और उस मॉलिक्यूल के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप भी होगा और अल्कोहल ग्रुप भी होगा, ये दोनों चीज़ें क्लियर रखिएगा। तो चलो आगे जानते हैं कि ये एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है। उसमें एक पॉइंट और है, एक आयन है इनोलेट आयन। ये इनोलेट आयन होता क्या है समझते हैं। द अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड इज एसिडिक ड्यू टू द फैक्ट दैट एन आयन ऑल्सो नोन एज इनोलेट आयन इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। ये चीज जानना जरूरी है आपको कि हमारे पास ये कार्बोक्सिल कंपाउंड है, कार्बोनाइल कंपाउंड है। कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन काफी एसिडिक होता है। आप इस हाइड्रोजन को किसी भी बेस से यानी OH माइनस से हटा सकते हो। इसके लिए आप NaOH, KOH या कोई ऐसा सॉल्ट जो OH की कंसंट्रेशन बढ़ाता है, Na2CO3, NaHCO3 आप ले सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर आप ऐसा सॉल्ट ले रहे हैं जो इस जिसे OH कंसंट्रेशन बढ़ गई है कंटेनर में, वो इस H को हटाएगा और ये हमारे पास बनेगा इनोलेट आयन। बनने वाला एनायन स्टेबल है एज कंपेयर टू अदर एनायन से। मैं फिर बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बनने वाला एनायन स्टेबल है किसी और एनायन के कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं तो। अब ये स्टेबल क्यों है? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ रेजोनेंस में है, ये रेजोनेंस में है, यानी हमारे पास ये प्रोसेस इजीली हो जाएगा अगर एसिड बेस रिएक्शन है। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। नेगेटिव चार्ज यानी एनायन जितने भी होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, उन्हें पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो अब अगर कंटेनर में कहीं पर भी कोई न्यूक्लियोफाइल मिल गया तो ये उसके पर अटैक कर देंगे। फिलहाल अभी तो मैं आपको यही बताऊंगा कि यहाँ हमारे पास एक कार्बोनाइल कंपाउंड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन किसी भी ओएच माइनस के साथ अलग हो जाएगा H2O की फॉर्म में, और हमें जो मिलेगा वो एनायन मिलेगा और उसे हम इनोलेट आयन बोल रहे हैं। ड्यू टू रेजोनेंस दिस इनोलेट आयन इज वेरी स्टेबल। स्टेप फर्स्ट का काम खत्म। अब बात आती है हमारे पास जो इनोलेट आयन वो बन चुका है और अब वो क्या करने वाला है। तो देखिए सेकेंड स्टेप में इन एक्वस बेस टू एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स रिएक्ट टू फॉर्म ए बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कॉल्ड एल्डोल। द रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशंस। इस पूरे पॉइंट में मैंने ये बताया है एल्डोल कंडेंसेशंस की डेफिनेशंस क्या है। जनरल रिएक्शंस देखते हैं हम, हमारे पास हमने दो मॉलिक्यूल लिए, ये हमने एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी हम ले सकते हैं। यहाँ मैंने एसिटाल्डिहाइड सेलेक्ट किया है जिसकी बेसिक मीडियम में 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैंने रिएक्शंस कराई है और मुझे फाइनली प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, एक मुझे मिल रहा है यहाँ पर बीटा। बीटा में कैसे बोल रहा हूँ क्योंकि ये कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल से अटैच कार्बन को आप क्या बोलते हो अल्फा, और इसको क्या बोलोगे बीटा। अगेन ध्यान से सुनिएगा, कार्बोनाइल ग्रुप है उससे अटैच कार्बन को आप क्या बोलोगे अल्फा, उसके बाद अटैच कार्बन को क्या बोलोगे आप बीटा। तो ये है आपके पास बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। तो जब ये आप बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड देख रहे हैं वो कैसे बना है, बेसिक मीडियम में 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखने पर कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड जो अल्फा हाइड्रोजन रखता है वो इस तरह से कंडेंसेशन देता है और आपके पास बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड देखने को मिलता है। दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं, ये जनरल रिएक्शन है। यानी आपको कहीं ना कहीं कितने कार्बन थे, दो, अब यहाँ पर कितने हो गए, चार, 1 2 3 4, ठीक है। और इस पॉइंट में आप क्या देख रहे हैं कि एक कार्बोनाइल का कार्बोनाइल ग्रुप से एज इट इज रहा है जबकि दूसरे कार्बोनाइल ग्रुप OH में कन्वर्ट हुआ है। इज दैट क्लियर? कैसे हुआ है वो मैकेनिज्म में समझ में आएगा हमें। अब आगे अगर यही रिएक्शंस आपको, सेम रिएक्शंस आपको हाई टेम्परेचर में दी जाती,
तो ध्यान से सुनिएगा कैसे दी जाती है। पहले तो दिया जाता है ओ एच माइनस के साथ 5 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर नीचे की तरफ एरो बना के एक और बार लिखा जाता है हीटिंग साइन के साथ, यानी कि बनने वाला कंपाउंड अब गर्म कर दिया गया। तो गर्म कर दिया गया है तो यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, डिहाइड्रेशन, यानी कि ओ एच और एच अलग हो जाएंगे क्योंकि टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया है, और बनने वाला बनेगा आपके पास ये वाला कार्बन है अल्फा बीटा, तो इसको बोलेंगे अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। तो ये काफी स्टेबल है क्योंकि ये डबल बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस में है, इसलिए डिहाइड्रेशन का प्रोसेस फास्ट भी हो जाएगा। फिर मैं बता रहा हूँ डिहाइड्रेशन का प्रोसेस आसानी से होगा, उसका रीजन है कि बनने वाली एल्कीन स्टेबल है और ड्यू टू रेजोनेंस। अब ये हुआ कैसे, ये हमारे जानने की इच्छा है, ये आंसर मिलेगा हमें मैकेनिज्म में। तो चलो मैकेनिज्म देखते हैं दूसरी तरफ। सबसे पहले क्या हुआ मैकेनिज्म में, हमने एक कंटेनर लिया जिसमें हमारे पास एक ऐसा कार्बोनाइल ग्रुप था जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है रखा हुआ है, रखे रहने दो। अब हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया, तब तक वो वैसे ही रहेगा। हमने उसमें कुछ ड्रॉप बेस की डाल दी, किसकी डाल दी, बेस यानी ओ एच माइनस की, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं रख रखा है। टेम्परेचर ज़्यादा नहीं रखने के पीछे मेरा लॉजिक यही था कि एसिड बेस रिएक्शन होगी तो एसिड बेस रिएक्शन के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए, अगर हाई टेम्परेचर रखोगे तो साइड प्रोडक्ट कुछ और बनने लग जाएंगे। तो फिलहाल आप चाहें तो टेम्परेचर कम रखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, और ये आपके पास एसिड बेस रिएक्शन हो रही है। अब ये एसिड बेस रिएक्शन में क्या हुआ, ये ओएच उस हाइड्रोजन को हटाएगा जो सबसे ज़्यादा एसिडिक है। यहाँ सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होती है अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन, क्योंकि उससे बनने वाला एनायन रेजोनेंस में स्टेबल होता है, तो इसलिए वो सारी हाइड्रोजन में से वो हाइड्रोजन सेलेक्ट करेगा निकालने के लिए जो ज़्यादा एसिडिक हो और उससे बनने वाला एनायन ज़्यादा स्टेबल हो। तो इसीलिए हमारे पास ये एनायन बना जो कि एक स्टेबल एनायन है। अब आगे, क्योंकि ये एनायन बन तो गया है कंटेनर में, अब इस एनायन में नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। क्या है ये, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। फिर से सुनिए, सारे एनायन पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं, इसका मतलब सारे एनायन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं, इज दैट क्लियर। दूसरा पॉइंट, अब जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो ये उस पूरे कंटेनर में देखना चाहेगा कि कहीं उसे न्यूक्लियोफाइल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यानी आपको ये प्लस की तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये कार्बोनाइल कंपाउंड जो दिख रहा है इसके पास सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड है जिसमें ये पाई बॉन्ड काफ़ी वीक है, और ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा जिस पे जिसकी वजह से कार्बन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। एक बार और सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूं ये कार्बोनाइल वही कार्बोनाइल है जिससे हमारे पास ये इनोलेट आयन जो हमने यहां पर पढ़ा था, इनोलेट आयन जनरेट हुआ था, लेकिन पूरा इनोलेट आयन में कन्वर्ट नहीं हुआ है, कुछ पार्ट इनोलेट में कन्वर्ट हुआ है, कुछ पार्ट अभी भी कार्बोनाइल में है। तो एक बना हुआ इनोलेट आयन जो ये है वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और जो बचा हुआ कार्बोनाइल है जो अभी इनोलेट में नहीं कन्वर्ट हुआ है उसके पास कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड वीक है, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और उसी समय यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज को देख के नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर अटैक कर देगा। तो जब ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पर ये अटैक हो जाएगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज पहुंच जाएगा, जैसा आप ये देख रहे हैं। तो ओवरऑल आपने इसमें क्या देखा, आपने ये देखा कि एक कार्बोनाइल इनोलेट में चेंज हुआ था और एक कार्बोनाइल उसका वेट कर रहा था कि इनोलेट में कन्वर्ट होके मेरे पे चिपक जाए। तो ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल दो कार्बोनाइल ग्रुप एक दूसरे से अटैच हो चुके हैं, और इसी को हम बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये कंडेंसेशन का मतलब यहीं से निकल के आ रहा है, दो मॉलिक्यूल अटैच हो रहे हैं। अब हुआ क्या अगले प्रोसेस में, कि ये जो नेगेटिव आयन है, अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव आयन, ये अनस्टेबल है, ये वाटर से एच ले लेगा और ओएच निकाल देगा। तो ये वाटर से एच ले चुका है और ओएच इसने वाटर का निकाल दिया, तो हमारे पास फाइनल कंपाउंड क्या मिलेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। मैं फिर बोलूंगा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड, ये अल्फा कार्बन ये बीटा कार्बन, तो बीटा पे हाइड्रोक्सी है कार्बोनाइल कंपाउंड, ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। ये है आपने मैकेनिज्म देखा। अब केस टू, हमने अभी केस फर्स्ट में क्या पढ़ा, कोल्ड नेचर पढ़ा, यानी कि ज्यादा टेम्परेचर नहीं रखा। अगर हम
इसके बाद ये पूरा प्रोसेस बनने का इंतजार करेंगे जब हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल बन चुका है और उसी समय हमने हीटिंग कर दिया तो क्या होगा, समझते हैं। तो केस टू, इफ हीटिंग साइन प्रेजेंट, यानी हीटिंग साइन भी प्रेजेंट है लेकिन नीचे की तरफ है, ऐसे सेकंड बना के पहले ये दिया है फिर उसके बाद नीचे लिखा हुआ है, तो हमारे पास हीटिंग साइन प्रेजेंट है तो हमारे पास ऐसी एल्कीन बनानी है, इस तरह की एल्कीन बनानी है जो इसके साथ रेजोनेंस रखे। तो क्या इस तरफ भी एल्कीन बन सकती है? हाँ, और इस तरफ भी बन सकती है। तो ये इस तरफ हाइड्रोजन को लेने की कोशिश करेगा जिससे यहाँ पर एल्कीन इस तरफ बने। अगर इसने यहाँ ली होती तो एल्कीन यहाँ बनती लेकिन वो रेजोनेंस में नहीं होती। फिलहाल तो ये एल्कीन रेजोनेंस में और स्टेबल है, तो वो एल्कीन बनेगी जो ज़्यादा स्टेबल है, और इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे हम डिहाइड्रेशन। क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन में एल्कीन बनेगी और बनने वाली एल्कीन आपके कार्बोनाइल के साथ काफी रेजोनेंस रखती है, इसलिए ये स्टेबल भी है और ये कार्बोनाइल के साथ अटैच्ड है। इसको बोलेंगे अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल। क्या बोला मैंने? अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल। क्यों बोला? क्योंकि ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप है, उससे अटैच कार्बन आपके पास अल्फा है, उसके पास वाला कार्बन आपके पास क्या है? बीटा। तो इसीलिए जो अनसेचुरेशन है यानी पाई बॉन्ड है वो मुझे अल्फा और बीटा के बीच में मिल रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल। तो आपने क्या जाना? आपने ये सीखा कि अगर हीटिंग नहीं हो तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल मिलेगा, आप बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल, और अगर हीटिंग साइन है तो आपने क्या जाना? अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल। अनसेचुरेटेड का मतलब इन और आइन से होता है, तो अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल, इज दैट क्लियर? तो ये आपने अभी तक समझा है, लेकिन आप पूरी बात को एक बार ध्यान से सुनिए। जब मैंने पहली बार बोला था तो ये रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट हुई थी? अल्फा हाइड्रोजन से, याद करिए, अल्फा हाइड्रोजन से, क्योंकि वही हाइड्रोजन एसिडिक था कार्बोनाइल का, और कोई हाइड्रोजन इतना एसिडिक नहीं है कि वो निकल जाए। इसीलिए एल्डोल कंडेंसेशन वही रिएक्शन देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। तो ये आप की पॉइंट लिखेंगे, इफ अल्फा हाइड्रोजन नॉट प्रेजेंट देन कार्बोनाइल कंपाउंड डू नॉट गिव्स एल्डोल कंडेंसेशंस, एल्डोल कंडेंसेशंस। अब ऐसे कौन से कार्बोनाइल हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता? फॉर्मेल्डिहाइड, दिख रहा है आपको? इस कार्बन से अटैच कार्बन ही नहीं है, इसमें तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन की बात ही छोड़ दो आप। बेंजल्डिहाइड, ये कार्बन फिनाइल रिंग से जुड़ा हुआ है, बेंजल्डिहाइड इसको बोलेंगे, और फिनाइल जिससे अटैच हो रहा है उसके पास आप अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी नहीं देगा। यहाँ अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा कार्बन के पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तीनों वैलेंसी कार्बन से रिप्लेस है, नहीं है। अगर कार्बन के दोनों तरफ पीएच ग्रुप जुड़ जाए तो पीएच ग्रुप जुड़ने के साथ अब उसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा, ठीक है, तो ये भी नहीं देगा और यहां पर भी नहीं देगा। कार्बन की वैलेंसी काउंट करो, 1 2 3 4, बची हुई कोई वैलेंसी नहीं है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये वो सारे कार्बोनाइल कंपाउंड है जो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देते हैं। क्या नहीं देते? एल्डोल कंडेंसेशन। अब हम बात करते हैं कि हम रिएक्शन को इतना जल्दी कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल में, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो हम मैकेनिस्ट से नहीं करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, हम अप्रोच या ट्रिक जिसे बोल सकते हैं करते हैं। तो हम किन बातों का ध्यान रखें कि हमारा आंसर जल्दी आए, तो देखते हैं। उसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैंने इसको क्लासीफाइड किया है कोल्ड एल्डोल एंड हॉट एल्डोल। कोल्ड एल्डोल का मतलब आपको टेम्परेचर कम दिया जाएगा, हॉट एल्डोल का मतलब आपको पहले कम टेम्परेचर में रिएक्शन होगी और बाद में जब रिएक्शन हो जाएगी उसके बाद आपको हीटिंग साइन भी दिया जाएगा, यानी गर्म भी करना है। तो चलिए देखते हैं कि कोल्ड एल्डोल में आप कैसे जल्दी से करेंगे। आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड है, आप उसके दो मॉलिक्यूल उठाइए, समझना, दो मॉलिक्यूल उठाइए, एक मॉलिक्यूल को इस तरह से रखिए कि सामने वाले को ऑक्सीजन सीधा दिखाई दे, कैसे दिखाई दे, सीधा, बाकी जो भी ग्रुप है उसको इस तरफ डाल दीजिए मेरी तरफ, ठीक है, डाल दिया, सिर्फ सामने वाले को क्या दिखाई दे, ऑक्सीजन, क्योंकि वो ऑक्सीजन को ही देखना पसंद करेगा। अब दूसरी तरफ देखिए, ये जो दूसरा तरफ का कार्बन है, कार्बोनाइल, उसमें आप क्या किस बात का ध्यान रखेंगे कि कार्बन का अल्फा कार्बन दिखाना है आपको, बीटा नहीं दिखाना, क्या दिखाना है, अल्फा, और अल्फा हाइड्रोजन भी दिखाना है, क्या दिखाना है, अल्फा हाइड्रोजन। तो सामने वाले ऑक्सीजन को एक अल्फा कार्बन देना दिखना चाहिए और एक अल्फा हाइड्रोजन, जब वो दिख रहा है सामने उसके फेस आ जाए, एक का ऑक्सीजन, एक का कार्बन और अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन है या नहीं है, है, क्योंकि ये कार्बोनाइल से जुड़ा हुआ है अल्फा। बीटा को कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज छोड़ना, बीटा गामा डेल्टा जितने हो उसको एज इट इज छोड़ेंगे।
अब हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को यहां रिप्लेस करेंगे और ये बॉन्ड को हम यहां रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इस तरह का एक कंपाउंड बनेगा जो मैंने यहां बना रखा है, दिख रहा है आपको। ये बनना ही हमारे लिए एल्डोल कंडेंसेशन है। क्या है? एल्डोल कंडेंसेशन। क्या हुआ इसमें? इसके अंदर दो मॉलिक्यूल ऑफ टू मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड ज्वाइंट टू ईच अदर। क्या फंक्शन ग्रुप मिला फाइनल में? एक आपको कार्बोनाइल भी है इसके अंदर और एक आपको एल्कोहल भी है, इसीलिए एल्कोहल और एल्डिहाइड, इसीलिए हम बोलते हैं इसको एल्डोल। इज दैट क्लियर? तो ऐसा कोई और एग्जाम्पल लें, ले सकते हैं। अगर ये सी एस थ्री को सी सिक्स एच फाइव से रिप्लेस कर दें तो इसका क्या काम था? पहले भी कोई काम नहीं था, यहाँ सी एस थ्री आज अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये एज इट इज रहेगा। ये देखिए कार्बोनाइल है, ऑक्सीजन दिखाया, दूसरी तरफ अल्फा हाइड्रोजन दिखाया, अल्फा हाइड्रोजन दिखाने के साथ ही अल्फा कार्बन भी दिखाया, अल्फा कार्बन को इस कार्बोनाइल से अटैच करा, ये वाला बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हुआ और ये हाइड्रोजन इस तरफ शिफ्ट हुआ, तो ये दोनों कार्बन एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे और बाकी आपको ये ग्रुप दिखाई देगा, आप देख सकते हैं, दिख रहा है आपको। तो फाइनल कंपाउंड में दो मॉलिक्यूल जुड़ चुके हैं इसलिए इसे कंडेंसेशन बोलेंगे। फाइनल कंपाउंड में एल्डिहाइड भी दिख रहा है और आपको अल्कोहल ऑल भी दिख रहा है इसलिए एल्डोल बोलेंगे। अब बात कर रहे हैं हम हॉट एल्डोल, यानी टेम्परे पहले एल्डोल होने दो 5 डिग्री सेंटीग्रेड में, जब पूरा प्रोडक्ट बन जाए तब हीटिंग शुरू कर दी है, उस रिएक्शन को हम बोलेंगे हॉट एल्डोल। इस रिएक्शन में आपके पास क्या होगा, आपको क्या दिखाई देना है? कार्बोनाइल कंपाउंड कोई भी ले सकते हो इनमें से, लेकिन इस वक्त आपको अल्फा हाइड्रोजन दिखाने, दोनों के क्या दिखाने? दो अल्फा हाइड्रोजन, पहले एक दिखाते थे अब दो दिखाएंगे, तो दो अल्फा हाइड्रोजन और सामने वाले का ऑक्सीजन, और बिल्कुल ग्लो इस तरह से ब्लॉक बना के अलग कर देंगे। तो हमारे पास यहां पर क्या बनेगा, इन दोनों में यानी एक ऑक्सीजन दो अल्फा हाइड्रोजन से रिप्लेस हो चुकी है, तो डबल बॉन्ड बनेगा और बाकी प्रोडक्ट एज इट इज बनेगा। इज दैट क्लियर? तो यहां आपको क्या मिलेगा, ये कार्बन अल्फा कार्बन है बीटा, यानी अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट में। इज दैट क्लियर? फिर मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर कोई भी ग्रुप हो, आर हो, पीएच हो या कुछ भी हो, या ये यहां पर वही यहां पर भी आएगा और वो एज इट इज यहां दिखाई देगा और यहां दिखाई देगा। इज दैट क्लियर? यहां पर और यहां पर, तो जरूरी नहीं है यहां सी एच थ्री हो, यहां सी एच थ्री की जगह पीएच हो सकता है, यहां पीएच होगा तो वो ऑब्वियसली यहां पर भी पीएच होगा, यहां पर पीएच आएगा फिर यहां आएगा। तो ये आपके पास बहुत अच्छी अप्रोच है जिससे आप एल्डोल बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए अच्छे कमेंट्स दीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए जिससे आप और भी अच्छी अच्छी रिएक्शन पढ़ेंगे। इसके बाद मैं आपको एल्डोल का क्लासिफिकेशन भी बताऊंगा जिसमें आपको मैं मिक्स्ड एल्डोल, साइनो एल्डोल, नाइट्रो एल्डोल और इंट्रा एल्डोल इन सब की जानकारी दूंगा। तो पहले यहां तक लिखें जल्दी से।